और कांग्रेस के 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। असम, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कैंडिडेट के नाम आज घोषित कर दिए गए हैं। एमपी के छिंदवाड़ा से नकुल नाथ और को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है और कांग्रेस के 43 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। नकुल नाथ, जिनके बारे में चर्चा थी कि वो पता नहीं कांग्रेस से लड़ेंगे या नहीं, गौरव गोगोई को भी टिकट दिया गया है। असम से राजस्थान से वैभव गहलोत, जालौर से उम्मीदवार होंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के 43 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है और सबसे बड़ा नाम जिसको लेकर की चर्चा होगी, और जाहिर सी बात है होनी भी चाहिए क्योंकि नकुल नाथ को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और ऐसे में उनका नाम सामने आया है, वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो कांग्रेस के 43 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है। और आज एमपी के छिंदवाड़ा से, जहां से कि जो कि एक तरीके से गढ़ माना जाता है कमलनाथ का, वहां से नकुल नाथ चुनाव लड़ेंगे। असम के जोरहाट से गौरव गोगोई और राजस्थान के जालौर से वैभव गहलोत, ये आप तीनों देखिए। एक अगर आप देखेंगे इस लिस्ट पर, अगर आप नजर डालेंगे, गौर करेंगे, तो ये जो तीनों नाम हैं वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हैं, जिनके जिन पर कि परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। कमलनाथ सीएम रहे हैं, खुद रहे हैं, आप देखें गौरव गोगोई वो भी सीएम के बेटे हैं, और इसी तरीके से आप देखेंगे वैभव गहलोत वो भी सीएम के, राजस्थान के सीएम के बेटे रहे हैं। और हैरानी की बात नहीं है कि इस लिस्ट के आने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस पर वही आरोप दोहराए जाएंगे जो पहले दोहराए जाते रहे हैं, परिवारवाद का।